आका, आप परेशान क्यों हैं? अब तो आपका बदला पूरा होने वाला है, अब परेशानी कैसी? जफर का सच सामने आकर रहेगा। मैं जफर की वजह से परेशान नहीं हूं अंगूठी छाप। तो फिर जिनू की वजह से? तू किसके लिए भाई मेरे भाई? मेरी नकचड़ी के लिए। या अल्लाह, भाई मेरे भाई के साथ नकचड़ी, नकचड़ी के साथ भाई मेरा भाई, जैसे मलाई में चीनी और चीनी के साथ मलाई। वैसे भाई मेरे भाई, मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम दोनों के बीच कुछ अब काम की बात, वक्त बहुत कम है क्योंकि सोल मीनार का काम पूरा हो चुका है और जफर राजे कायनात का दरवाजा कभी भी खोलने वाला है। ऐसे नहीं तो वैसे हमें नकचड़ी को जफर की असलियत तक ले जाना होगा। पर एक दिक्कत है। क्या? खुद नकचड़ी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। जरा से भी भनक, छोटा सा भी सबूत, हल्का सा भी सुराग उसे मिल गया ना तो वो शहजादी से खतरों के खिलाड़ी काली चोरनी बन जाएगी और ऐसे अकेले मुश्किलों का सामना करने निकल पड़ेगी। और अब तो उसे मुझ पर थोड़ा यकीन भी है, इसलिए वो जोश में भी है। अंगूठी छाप ज्यादा जोश यानी कम खौफ, कम खौफ यानी कम तैयारी, और कम तैयारी यानी खतरा। ऐसा कुछ नहीं होगा आका। क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता, मैं बस अपनी नकचुड़ी को अच्छी तरह से जानता हूं। खतरा उठाने के नाम पर खुद को भूल जाती है, अपनों के लिए जान पे लड़ जाती है, सबकी फिक्र करती है लेकिन खुद की फिक्र नहीं करती। और एक बार फैसला कर ले तो देखो, हमें बहुत होशियार रहना होगा। नकचुड़ी बहुत जिद्दी है, मैं उसे अरे अच्छी तरह जानते हैं। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन ने वजीर आला से वादा किया है कि वो उनके लिए जासूसी करेगी। नाज़नीन अपने चूहे जैसे शौहर का सर फोड़ सकती है पर अपना वादा नहीं तोड़ सकती। सोने की अशरफियों की, ये तिलस्मी चश्मा शहजादी के पास कैसे? चश्मा तो टूट गया था, खैर शहजादी ने बनवा लिया होगा। ये चश्मा तो शहजादी से नाज़नीन चुरा के रहेगी। जरा शहजादी इस कमरे से बाहर आए तो सही। हमें याद है काले चोर ने हमसे कहा था कि अंगूठी छाप ने शेख जिनू का चिराग चुरा कर मुच्छड़ को दिया था और आज हमने खुद देखा कि इतने दिनों से वजीर आला जिसे अपना भाई जुनैद कह रहे थे वो जुनैद नहीं बल्कि शेख जिनू थे। तभी तो जुनैद मियां के बारे में आज तक ना ही किसी ने सुना और ना ही कभी उन्हें देखा। और वजीर आला ने रातों रात जुनैद मियां को यहां लाके अपना भाई कह दिया। ये हमारे ममेरे भाई हैं, जुनैद खान साहब हैं। सलाम। और जिस तरीके से वो उनसे बात करते हैं, जैसे जैसे वो उनपे हुक्म देते हैं, ऐसा लगता है कि वो उनके भाई नहीं बल्कि जिन हो। लेकिन वजीर आला का शेख जिनू से क्या ताल्लुक हो सकता है और वजीर आला का ताल्लुक मुच्छड़ से कैसे? हमें वजीर आला की जासूसी करनी होगी और नेक काम में देरी कैसे?
कमाल है, किसी को दौलत की लालच होती है, किसी को शोहरत की, लेकिन इस कमबख्त मोटी औरत को, इसे तो हर एक चीज की लालच है। जरूर ये शहजादी के पीछे चोरी की फिराक से जा रही है, लेकिन मैं इसका काम नहीं होने दूंगा। मुझे मेरी चुड़ैल के पास जाना है। चुड़ैल मैं आ रहा हूँ ताकि तेरी चोटी ले सकूं और राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए पहला दरवाजा खोल सकूं। मोटी औरत। ये है महल का बावर्ची खाना। खाना बनाने का वक्त हो रहा है। यही सही वक्त है जब सभी औरतें यहाँ आएंगी लजीज खाना बनाने और मैं अपनी चुड़ैल ढूंढूंगा। जिस तरह आदमी की पहचान होती है उसके नाम से, उसकी शक्ल से, उसी तरह से चुड़ैल की पहचान होती है उसके उल्टे पांव से। जिस भी औरत के उल्टे पांव हुए वही होगी मेरी चुड़ैल। सुनो सुनो सुनो, वजीर आला ने एक नई हिदायत दी है कि आज से इस महल के बावर्ची खाने में साफ सफाई बढ़ा देनी चाहिए। इसलिए आज से आप लोग अपने हाथों के साथ साथ अपने पांव भी साफ करके अंदर जाएंगी। चलिए एक एक करके इस पांवदान में अपने पांव साफ करके ही अंदर जाइए। सबके पांव सीधे, कैसे मिलेगी मेरी चुड़ैल? वजीर आला की शाही खजाने का हिसाब किताब का मुआयना करने का वक्त है। उनके कमरे में जाकर छानबीन करने का इससे बेहतर वक्त हमें कभी नहीं मिलेगा। कसम सोने की अशरफियों की, उस तरफ तो वजीर आला का कमरा है। शहजादी वहां क्यों गई? चल नाजनीन जासूसी। तहकीकात। वजीर आला और अली अभी अभी बाहर गए, उनको वापस आने में काफी वक्त लगेगा और उनकी गैर हाजिरी में हम उनके कमरे की तलाशी लेंगे। जा रही है। खैर मुझे क्या, ये वजीर आला के कमरे से बाहर निकले तो मैं तिलस्मी चश्मा उनसे छीन लूंगी और फिर। लेकिन इस काम के लिए तो नाज़नीन को एक साथी की जरूरत पड़ेगी। कहाँ है मेरा चूहा? अली साहब, इस लाल जान की रात का हमें एक अरसे से इंतजार था, वो बहुत जल्द करीब आने वाली है। आप हमसे पूछ रहे थे ना कि हम क्या करने वाले हैं। हम राज कायनात की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाले हैं और हम आज सोन मीनार के अंदर वो करने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया और ना आगे चलकर करने की सोच भी पाएगा। बेहतरीन बेहतरीन। मेरे दोस्त वजीर आला के जलवे के हलवे का क्या कहें? अली साहब, आप सिर्फ लफ्जों के जादूगर हैं, जलवे के हलवे। सारे संदूकों पर ताले लगे हुए हैं, हम तलाशी लेंगे भी तो कैसे? मुच्छड़ की दाढ़ी। क्या ये वाकई मुच्छड़ की दाढ़ी है?
मैं अब क्या करूं? मुझे मेरे उल्टे पांव वाली चुड़ैल तो मिली नहीं, अब क्या होगा? मेरे पास दूसरा भी तरीका है। चुड़ैल की पहचान उसके उल्टे पांव से होती है और उसकी काली लंबी चोटी से होती है। एक काम करता हूं, सभी औरतों को बाहर निकालता हूं और धीरे से उनकी चोटी देखता हूं। जिसकी भी चोटी रात सी काली और उम्र सी लंबी हुई, वो होगी मेरी चुड़ैल। सुनिए सुनिए सुनिए, वजीरे आला ने एक नया फरमान निकाला है। हाथ पांव के साथ साथ अब आप लोगों को अपनी चोटी कस के बांध के ही अंदर पावर्ची खाने में काम करना होगा। इसलिए आप सब लोग वापस बाहर निकलिए और अपनी चोटी एक एक करके मुझे दिखाइए। जिसकी चोटी कस के बंधी होगी वही अंदर काम कर सकती है। मोटी पतली लंबी छोटी हर तरह की चोटी देखी, बस चुड़ैल की चोटी नहीं देखी। सुना है जुनैद मियां अली साहब की बहन के इश्क में दीवाने हो गए। हाँ, तभी ऐसे बहके बहके हरकतें कर रहे हैं। अस्तगफर अल्लाह, क्या मैं सच में दीवाना हो गया हूँ? क्या सच में सारा जी भी मेरी तरह दीवानी हो गई है? और क्या सच में मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं दिख रही? अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो आप इस ऐनक से उसे देख सकते हैं। मैं शहजादी के उस खूबसूरत ऐनक से सच्ची मोहब्बत को देखूंगा। वजीर आला के कमरे में कुछ भी नहीं मिला, हो सकता है उन्होंने सारे सबूत सारे सुराग छुपा दियो। वजीर आला पर हमारा शक और पुख्ता होता जा रहा है। ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे आज तक हमारी आंखों के सामने झूठ के बादल छाए हुए थे जो आप छटने वाले हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ये धोखा दे रहे हैं। क्या? काले सायों को कसम सोने की अशर्फियों की, बगदाद में उल जलूल चीजें हो रही हैं। इन वारदातों को मद्देनजर रखते हुए नाज़नीन का तो दिल बेचैन सा हो गया है। शहजादी, आप ऐसे कैसे खड़ी हैं? आंखें बंद कीजिए शहजादी साहिबा और ये धुआं लीजिए ताकि आप भी महफूज हो जाएं। आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए। कीमती है न तोड़ दिया मोटी औरत। ये आपने क्या किया? हटिए। इससे पहले कि हमारा गुस्सा आप पर आग बनके बरसे, आप यहाँ से जाइए और कभी महल में वापस नजर मत आइए। जाइए। जा रहे जा रहे। चले। शाबाश। मुझे पता चलने ही वाला था कि सारा जी मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है कि नहीं, कि तभी ये मोटी औरत बीच में आ गई। दो प्यार करने वालों के बीच जब भी कोई आया है वो बुरा होता है, दिल का काला होता है, शैतान होता है, हैवान होता है। और ये औरत तो चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल?
अभी तक मैं चुड़ैल की तलाश कर रहा था तो चुड़ैल नहीं मिली तो क्या हुआ? चुड़ैल जैसी औरत तो मिल गई। अब मैं इस चुड़ैल जैसी औरत की चोटी और इसके बेवकूफ शौहर की टोपी आज ही आका को दूंगा, ताकि आज ही राज कायनात तक पहुंचने के लिए पहले दरवाजे का रास्ता खुल जाए। हम इतने सारे सवालों के साथ साथ कुलपतन के अम्मी अब्बू जैसे बेवकूफों के साथ भी घिरे हुए हैं। आज इतना कुछ हो गया, ना ही खुद समझने का वक्त मिला और ना ही किसी और को समझाने के लिए कोई सबूत। आओ, 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 जाओ। आप मुझसे कह रही हैं शहजादी? यहाँ और कौन है जिससे हम कहेंगे? चिड़िया है ना। देखिए, आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। शहजादी, मैं आपको अकेला छोड़ सकता हूँ, लेकिन इन भूखी चिड़ियों को कैसे छोड़ूं? आपको पता है, इनको खाना खिलाने से दुआ मिलती है, और इस वक्त मुझे दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके होने वाले शौहर के लिए भी और अपने प्यारे दोस्त वजीर आला के लिए भी। वजीर आला? किसी ने आपको बताया नहीं? खाना पीना छोड़कर रात दिन एक करके सोन मीनार को बनवाने में लगे हुए हैं, और अब तो वो काम पूरा होने के कगार में भी आ गए। आज वो वहाँ कुछ बहुत बड़ा करने वाले, और वो क्या करने वाले ये सिर्फ वजीरे आला और वो जुनैद मियां जानते हैं। इसलिए तो मैं उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ, ये कि वो जो भी करे ना कामयाब, मेरा मतलब कामयाब हो जाए। आप भी यही करने आई हैं ना? हमने वजीरे आला से कहा था कि सोन मीनार का काम फौरन रुकवा दिया जाए। उन्होंने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है, और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने अपनी चिड़िया को दाना डाल दिया है, और मेरी चिड़िया बहुत सयानी है, सब संभाल लेगी। शक को यकीन में बदलने के लिए हमें सबसे पहले वहां पहुंचना होगा जहां वजीर आला है, और फिर हम शेख जिनों से उनके जिन के रूप में मिलेंगे, जिस सोन मीनार के बारे में हम इतने वक्त से सुन रहे थे, आज हम उससे करीब से देखेंगे। इतने वक्त से हम गलतफहमियों के अंधेरे में थे, लेकिन अब सच के सूरज को निकलना ही होगा। शहजादी, हला, माफ कीजिएगा, इस तरह बिना बताए आपके कमरे में आ गई। दरअसल मैं दरगाह गई थी, आपके लिए काला धागा लाई, ये हमेशा आपकी हिफाजत करेगा। शुक्रिया खाला, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अब बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी बात मान ली और महल वापस आ गई। ऊपर वाला आपकी हमेशा हिफाजत करे। बस आज के दिन ही इन दुआओं की जरूरत है, अब सब अच्छा होगा। आज के दिन? आज कोई खास दिन है? नकचड़ी सोन मीनार के लिए रवाना होने वाली होगी, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं जाने दूंगा। बेहद खास खाला, हम चलते हैं, हम आपको आके बताएंगे। खुदा हाफिज़।
शहजादी का साथ देना। मेरी चिड़िया सयानी है तो मैं उससे ज्यादा सयाना हूं, लेकिन सफर का सामना ना चिड़िया अकेले नहीं कर पाएगी, उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। आपका पाँव मुड़ गया है, आपको बहुत चोट लगी है, आइए। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। बच्चों की तरह जिद मत करिए, आइए आपको आराम की जरूरत है। मैं आपको कमरे से छोड़ा दूँ। लक्ष्मी ने पीछे हटना नहीं सीखा और जफर को सिर्फ और सिर्फ पीछे से वार करना आता। वो जहाँ गई है वहाँ उसे जफर की चनाकी और जिनू के जादू का सामना करना पड़ सकता, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं पड़ने दूंगा। लक्ष्मी मैं आ रहा हूँ। बहुत लजीज है, बहुत लाउंडा। भाई आप दोनों ने भाईजान की इतनी मदद की है और ये साबित किया है कि आप दोनों उनके लिए कितने वफादार हैं। भाईजान आपसे बहुत खुश हैं। अरे जनाब ये तो हमारी खुशकिस्मती है। कोई बात नहीं। भाईजान को अपनी तंदुरुस्ती बनाने दीजिए, खाइए खाइए। और मोहतरमा आप तो माशाल्लाह वैसे ही तंदुरुस्त है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे समुन्द्र में दो बूंद पानी और सही। खाइए खाइए। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ये ऐनक तोड़ने की सजा है बेवकूफों। लेकिन अफसोस आप दोनों भाईजान के वफादार तो बन गए लेकिन खास नहीं बन पाए। मतलब जुनैद मियां एक बात बताइए। जी पूछिए। हम वजीरे आला के खास कैसे बन सकते हैं? अरे करीबी बनने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा कि जिसमें भाईजान खुद आपको अपना करीबी बना लें। मसलन आपको कुर्बानी देनी होगी। आजादी। माफी चाहूंगा लेकिन भाईजान सिर्फ उन्हीं को कुर्बानी नहीं देनी बल्कि आपको भी कुर्बानी देनी है। भाई भाई भाई। इन्हें अपनी चोटी की और आपको अपनी टोपी की। क्या कहा जनाब? आप इस मोती की चोटी ले जाइए लेकिन मैं अपनी पगड़ी हरगिज नहीं दूंगा। ये मेरे खानदान की शान है, रुस्तम बगदाद की शान है। अरे चुप रहो, इतनी नन्ही सी जान और इतनी बड़ी शान, पगड़ी तो देनी पड़ेगी। माफी। दोनों का तो पता नहीं लेकिन मुझे बहुत काम है, जल्दी कुछ करता हूँ। चूहा है बारी, बिल्ली है तगड़ी, हाथ में आ जाए चोटी और पकड़ी। माशाल्लाह, ऐसे होते हैं सच्चे बेकार, मेरा मतलब है वफादार। वाह। आका ये तोहफा देख के आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे, अब आएगा मजा। हमारे चांद, हमारे सूरज, हमारे जिगर के छल्ले, इस मर्तबा क्या चमके हो तुम। शुक्रिया शुक्रिया आका, लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखते जाइए, जैसे हम राज कायनात की तरफ बढ़ेंगे कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर,
हमारे मिर्ची के हलवे। माशाल्लाह। लाल चांद की रात 500 साल में एक मर्तबा आती है, जब लाल चांद की लाल रोशनी हमारे सोन मीनार पर पड़ेगी तो हमारा राज कायनात का पूरा सफर मुकम्मल होगा। आका, आप राज कायनात का पहला दरवाजा खोलने को तैयार हैं? बेशक। चलिए। कहाँ? उस जगह जहाँ आप पहले दरवाजे में दाखिल होंगे। वज़ीर आला ने पत्थर गिरने की आवाज तो नहीं सुन ली? आका को तो शहजादी के पीछे आना ही था। अच्छा हुआ हम पहले आ गए, इन्हें हमारे मदद की जरूरत पड़ सकती है। रात के दिन हम चाहते हैं इस मर्तबा तुम सोन मीनार के इर्द गिर्द ऐसा जादू करो कि कोई इंसान, कोई पंछी, यहाँ तक कि कोई रूह भी वहां ना पहुंच सके। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गया आका। झुमरू, आज की रात बहुत अहम है। आज हमें हर मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा। हम तो तैयार है चचा, पर आका कहाँ है? शहजादी सोन मीनार के अंदर जाने ही वाली है, वो भी अकेले। आका कहाँ रह गए? आका, नकचड़ी। बेटी की तुम नकचड़ी अंदर पहुंच गई। कान खोल के सुन ले, रू पंछी इंसान बंदर कोई ना आ सके इस सोन मीनार के अंदर। अब तुम एक और जादू करो। क्या मेरे आका? ऐसा जादू कि कोई इस सोन मीनार में अंदर आने की कोशिश करे तो वो यहीं इसी सोन मीनार में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाए। पर आका, ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। मेरा जादू है पक्का, इंतजाम है मुस्तैद, लेकिन अगर फिर भी कोई आ जाए तो हो जाए सोन मीनार में कैद। ये लाल रोशनी कहां से आ रही है? हाँ,
ये रोशनी कैसी? इसका मतलब सोर मीनार में कुछ तो हो रहा है, और नक्षड़ भी वहीं पे। नक्षड़ की जान खतरे में। आगा सभी इंतजामात हो गए हैं, अब बस जैसे ही हम इस टोपी और चोटी की कुर्बानी देंगे उसके बाद राज कायनात तक पहुंचने के लिए जो पहला दरवाजा है हमें उसका रास्ता मिल जाएगा। बेहतरीन बेहतरीन। पर हम ये कुर्बानी देंगे कैसे? आका, इस एक क्षमा में आपको अपने खून के कतरे की कुर्बानी देनी होगी। ये लीजिए आका। तुम्हारी कुर्बानी नहीं चलेगी। मेरी कैसी बातें कर रहे हैं आका? मैंने राज़े कायनात की पूरी किताब पढ़ी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसे राज़े कायनात तक पहुंचना है वही कुर्बानी देगा। अब ख्वाब आपने देखा तो हैप्पी का खून लगेगा ना। आका, और एक बार आपने ये कुर्बानी दे दी, ये टोपी चोटी राख में तब्दील हो जाएगी। और इसका राख में तब्दील होना मतलब क्या? जिसका मतलब कि काली ताकतों ने आपकी कुर्बानी कबूल की, और एक बार आपकी कुर्बानी कबूल हो गई तो राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए जो पहला दरवाजा है उसका रास्ता भी खुल जाएगा। आपके जन, तुम अब हमारी सबर का इम्तिहान ले रहे हो, चलो जल्दी करो ये सब। जो हुक्म मेरे आका। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वजीर आला ने हमारे अब्बू की याद में हमें तोहफा देने के लिए पूरी बगदाद की तरक्की के लिए इतनी अजीब सी जगह बनवा रहे थे। हमारा शक और बढ़ता जा रहा है, वजीर आला का इरादा कुछ और ही है। हाँ? नक्षड़ी अंदर है और अंदर कोई बहुत बड़ा खतरा है, हमें कैसे भी करके अंदर जाना होगा। हाँ। कोई तरकीब सोचो। हाँ। सोचते हैं। आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आज सफर का सच नक्षड़ी के सामने आना बहुत जरूरी है। हाँ। आका, एक रास्ता है। अल्लाह।
हमारे गाजर के हलवे, क्या तुम खुशी के मारे कूद रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं आका? बिल्कुल इसका मतलब यानी जमीन इसलिए हिल रही है क्योंकि क्योंकि हमारी कुर्बानी कबूल हुई। रास्ता खुलने वाला है शराब के दिन, और हम राजे कायनात तक पहुंचने वाले पहले दरवाजे में दाखिल होने वाले हैं। बेहतरीन बेहतरीन। का दिलो चेहरा, सोन मीनार पर मेरा पहरा हो और भी गहरा। जो जमीन के अंदर से होते हुए सोन मीनार तक पहुंचेगी, इससे हम सोन मीनार के चारों तरफ हुए जादू से भी बच जाएंगे और शहजादी तक भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद शहजादी को उनके सच तक पहुंचा देंगे। ठीक है चाचा, तैयार? तैयार। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हमें एक लड़की हमारा मतलब लकड़ी का फावड़ा बन जाते हैं। आप उससे सुरंग खोद लीजिएगा, झटका नहीं लगेगा। जमरू, आका का दिल है प्यारा और जफर का दिल है प्यार से खाली, बना दे हमें एक लकड़ी का फावड़ा। उड़ जा। आका, मैं सुरंग नहीं खोद पा रहा हूँ। अब जल्दी से फावड़े को रखो, नहीं तो चाचा हमेशा के लिए फावड़ा बन जाएंगे। हाँ। जमरू, चुप। और यहां से उस पार जाने का रास्ता ढूंढो। मेरा शक सही था, नक्चड़ी अंदर फंसी हुई है और वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। कैसे भी करके मुझे इसके पार जाना होगा। Thank you.
दरवाजे कायनात तक पहुंचने के लिए हम पहले दरवाजे तक पहुंच गए। पहला दरवाजा। आका, हम इस दरवाजे की कुंडी खड़का के भाग जाएं? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। कुंडी खड़कानी है तो किसी पड़ोसी की खड़काएंगे ना। ये तो राज कायनात तक पहुंचने का पहला दरवाजा है। माशाल्लाह। मंजिल का बरसों से ख्वाब देखा था, हम हाथ बढ़ा के ख्वाब को थामने का वक्त आ गया है। ये दरवाजा हमें राज़े कायनात तक पहुंचाएगा। ये दरवाजा हमें हमारे आने वाले सुनहरे कल से मिलाएगा। फिर ये दरवाजा हमें हमारी जिंदगी के मकसद से मिलाएगा। आगा, आप इन तीनों से मिल लीजिएगा, लेकिन अभी देर मत करिए, चलिए चलते हैं। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? हम तुम्हारी माशूका है जो ऐसे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो। नहीं आका, मुझे पता है कि आप मेरे आका हैं, और मुझे ये भी पता है कि इस दरवाजे को खोलना कैसे है, क्योंकि मैंने तो पूरी राजा कायनात की किताब पढ़ी है। तो जब हम इसे खोलने की कोशिश कर रहे थे तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहूं, मैं तो बस इस दरवाजे की खूबसूरती पे मर मिटा हूं। आका, अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हो जाए तो मुझे दीवार में नहीं, इस दरवाजे में कैद कर दीजिएगा, ताकि तुम दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माफी माफी आका, माफी। ये सोचो गुलगुले कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा। अच्छा, ये सवाल पूछ रहे थे तो सीधे सीधे मुझसे पहले ही पूछ लेते, अब तक तो मैं आपको जवाब दे चुका होता। आका, इस दरवाजे पे एक पहेली है, उसे सुलझाइए और दरवाजा खुल जाएगा। इस दरवाजे पर पहेली है? कैसी पहेली? शुक्र है, हमें अपना खंजर तो मिल गया। इस बेल पर तो हमारा खंजर भी बेकार है। खंजर बढ़ता जा रहा है। या अल्लाह, ये कैसी जगह है? We'll be right back.
पहेली इसी दरवाजे में कहीं है, क्योंकि वो पहेली इसी दरवाजे में कहीं है। लेकिन तुमने राज़े कायनात की पूरी किताब घोल कर पी है ना? जी हाँ। तो बताओ कहाँ है पहेली? पहेली है यहाँ। यहाँ रात के दिन तुक्का, ये तुक्के मारना बंद कर दो। वक्त नहीं है हमारे पास, अपने जादू का इस्तेमाल करो और इस दरवाजे को खोलो तुम। निनिया का शायद आप भूल रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए उन तीनों दरवाजों को आपको खुद खोलना होगा। उसमें आप मेरे जादू की मदद नहीं ले सकते। अगर पिछली बार जब आपने मेरे जादू की मदद ली थी तो बगदाद की सभी औरतें गायब हो गई थी, और अब अगर मदद ली तो ना जाने क्या होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, औरतें गायब हो, मर्द गायब हो, गधे घोड़े कुत्ते कोई भी गायब हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने जादू का इस्तेमाल करो और इस दरवाजे को खोलो। नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन काली ताकतों को फर्क पड़ता है, और अगर उन काली ताकतों को फर्क पड़ गया यानी कि उनको गुस्सा आ गया तो आपकी और मेरी चटनी बना देंगे। जरा तुझे हम तुम्हारे आँखें हैं। हाँ मालूम। ये हमारा हुक्म है। अपने जादू का इस्तेमाल करो और इस दरवाजे को खोलो। जो हुक्म मेरे आका। जवाब की चीनी पहेली के पानी में घुल जाए। राज़े कायनात का पहला दरवाजा मेरे जादू से खुल जाए। क्या हुआ? ये क्या हुआ? पता नहीं आपको? शायद मेरा जादू उल्टा पड़ गया है, पर आका बहुत गुस्से में है, अगर उनसे कुछ कहा तो मेरी जान ले लेंगे। क्या मुसीबत है। अंगूठी छाप? हाँ। ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये क्या हो रहा है आका? ये पूछो कि क्यों हो रहा है? ये सब जिनों के जादू की वजह से, जो उससे वो कमीना सफर करवा रहा है। देखा तुमने, पत्थर जादुई दीवार के उस पार चला गया। हाँ आका, काश ये जाकर सफर के सर पे लग जाता। अंगूठी छाप तुम समझे नहीं? जब से वो नीली रोशनी आई है तब से ये जादू सिर्फ 5 लम्हों के लिए रहता है, और पत्थर जादुई दीवार के उस पार इसलिए चला गया क्योंकि जादू सिर्फ 5 लम्हों के लिए रहता है और उसके बाद गायब हो जाता है। हम भी एक एक करके जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 लम्हे रहेंगे। सुनो, पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद तुम लोग एक एक करके आना, और हाँ याद रखना, जैसे ही वो रोशनी जाएगी तुम लोग के पास सिर्फ 5 लम्हे बचे होंगे, सिर्फ 5 लम्हे, समझ गए ना? कोई गड़बड़ मत करना। जी आका, समझ गए। 1, 2, 3, 4
देखिए इस वजनी जाल से निकलना होगा और फिर उन हजारों सवालों के जाल से भी बाहर निकलना होगा जिसमें हम फंसे हुए। फंसे हुए हैं हम, मेरा निकल रहा है दम। इससे पहले आखा का सब्र हो पूरी तरह खुल, तरह तो जाए खुल। जल्दी करो चिराग के जिन। अब जी आखा। क्या करूं? ये देखिए दरवाजे पे सितारे, ये देखिए। ये सितारे दरवाजे पर बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह सितारों का झुरमुट आसमान में होता है। सितारों का झुरमुट? लेकिन आका, सितारों के झुरमुट से इस दरवाजे के खुलने का क्या लेना देना? वही तो हमें पता करना है चिराग के जिन। आका, ये जादुई बेल है, ये आपको भी पकड़ लेगी। चाचा। हाँ आका, धीरे धीरे। चाचा, मैं नक्चड़ी के सामने नहीं जा सकता। तुम पत्थर में तब्दील हो जाओ और अंदर जाकर देखो कि नक्चड़ी कैसी है। कमीने का झूठ, आका के सामने कांपे थर थर, बना दे हमें पत्थर। बोलो, नक्चड़ी को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे। आका, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गुच्छा है जो इस तरह हिल रहा है मानो जिंदा हो। हमारा 1,500 साल का तजुर्बा कहता है कि। चाचा, अपना 1,500 साल का तजुर्बा बाद में बताना, पहले ये बताओ कि करना क्या है, काम की बात करो। आका, उस बड़े गुच्छे को अगर काट दें तो शहजादी आजाद हो सकती है। मैं पास जाके नहीं काट सकता, मुझे यहीं से कुछ करना होगा। आका, शहजादी के दिल के पास ही इन बेलों का भी दिल धड़क रहा है, आप ठीक सामने ही वार करना। हाँ आका, वही। जादुई बेलें गायब कैसे हो गई?
मीनार में लक्ष्मी को कई मुसीबतों का सामना करना होगा। चुपके से कम मैं उसके साथ तो हूँ और मैं उस पर आँच तक नहीं आने दूंगा। वैसे मेरी लक्ष्मी बहुत हिम्मती है, उस पर आँच आने से पहले ही आँच जलकर राख हो जाएगी। बस इसी तरह लक्ष्मी सच की तरफ बढ़ती रहे और सच जान ले। बिल्कुल आका। दरवाजा कैसे खुलेगा ये हम जान गए। तुमने देखा जिस तरह ये सितारे इस दरवाजे पर चमक रहे हैं, हर रात बिल्कुल उसी तरह एक सितारों का झुरमुट सोन मीनार के ऊपर चमकता है और उस झुरमुट का नाम है सफेद कबूतर। सफेद कबूतर, बस वही है इस पहले दरवाजे की पहेली का जवाब, सफेद कबूतर। हमने पहली सुलझा ली इस रात के दिन। हाँ मेरे प्यारे आका। आवाज कैसी? यह आवाज कैसी? यह आवाज कैसी? वाह, पहली बार ये सवाल सुन रहा हूं मैं। नक्षत्र भी उसी आवाज की तरफ गई है, हमें चलना होगा। चलो। नक्षत्र बहुत बहादुर है लेकिन जफर और जिनू के सामने अकेली पड़ जाएगी, इसलिए हमें दूरी बनाकर ही सही उसके साथ रहना होगा और उसका पीछा करना होगा। जी आका। और ये आवाज कहाँ से आई उसका भी पता लगाना होगा। हाँ हाँ चलो। ठीक तो है, कोहरे की चादर इतनी मोटी है कि ना ही कुछ दिख रहा है ना ही कुछ समझ में आ रहा है।
क्यों डर रहे हो? अरे हाँ,